आरआरक्यू वर्सेस आईएनडी फाइनल सर्कल सर्कल आईएनडी के पास है, फिर से स्नैक्स आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर है। दिस इज फाइनल फाइट फॉर द फर्स्ट डे फाइनल गेम। स्नैक्स आगे आ चुके हैं, ही इज हंग्री फॉर दैट स्नैक्स ऑफ चिकन डिनर। देखते किस तरीके से निकालते हैं, बिकॉज आईएनडी के पास ये गेम होनी चाहिए कुछ भी करके। आरआरक्यू प्लेयर सर्कल के भी बाहर है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी, बट एक हल्का सा रेज इन दोनों टीम्स को सेपरेट करता है इस फाइट के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आईएनडी के स्नैक्स का रोटेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है और आईएनडी के स्नैक्स यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे कि आरआरक्यू के अगर एक भी प्लेयर को पिक ऑफ करते, क्योंकि किसी भी क्षण यहाँ पे आरआरक्यू को मूवमेंट लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रांस ने भी एक बहुत ही बेहतरीन एंगल बना रखा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से पुश इन करते हैं तो ट्रांस को अच्छा खासा ओपनिंग मिल जाएगा। अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट हो चुकी है टीम आईएनडी, क्या इस गेम में चिकन डिनर रच पाएगी, क्या यहाँ पे ले पाएंगी टीम आईएनडी चिकन डिनर। स्लेयर यहाँ पे प्रोन डाउन है, देखना पड़ेगा फर्स्ट कौन सी वो टीम होती है जो ये फाइट ब्रेक करती है। 25 मिनट पहले इस एरिया पर एक स्टोरी लिखी जानी थी, वो स्टोरी आईएनडी के नाम हो सकती है। आरआरक्यू के प्लेयर्स भी तैयार है, आप देखिए उन्होंने अपने हेलमेट वेस्ट सब पहन रखे, लेकिन अपने जो स्कोप्स वगैरह होते सारी चीजें हटा दी अपने ऊपर से। आरआरक्यू प्लेयर्स धीरे-धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं। ट्रांस लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुके हैं, 3-1 का स्प्लिट आईएनडी के खाते में जा सकता है। क्रेटोस के ग्रेनेड जा जरूर रहे हैं, बट विल दिस गोना बी बैंगिंग आउट देयर। बीरेलवेन से थोड़ा सा पीछे रह चुका है ये ग्रेनेड, 4-4 की आखिरी लड़ाई यहां पर रहेगी। थोड़ी सी स्लो फाइट है बिकॉज एक बैंगिंग एंड जरूर देना चाहेंगे क्रेटोस। अभी के लिए पेन किलर्स खा रहे हैं बिकॉज आगे उनको फाइट लेनी पड़ेगी। फुल बूस्टेड आईएनडी के प्लेयर्स, बट आर दे बूस्टेड फॉर दैट विक्ट्री, हमें देखना पड़ेगा। ट्रांस एक बग्गी में बैठ चुका है, कैसे एक रोटेशन मारना चाहते हैं वो, लेकिन सातवां जोन धीरे धीरे आ रहा है। सातवां जोन आने का यही मतलब है कि आरआरक्यू के प्लेयर्स को सर्कल में आना। आरआरक्यू के प्लेयर्स अभी भी सर्कल में नहीं है, दे आर एट द एज ऑफ द सर्कल, ऑलमोस्ट सर्कल में पहुंचे हैं G9 अभी के लिए। अब ग्रेनेड्स उनको छू सकते हैं। G9 के राइट हैंड साइड पर एक ग्रेनेड था, 25 का डैमेज वहां पर G9 को हुआ जरूर है, बट अब G9 की बारी रहेगी। दोनों साइड से स्लैम डंक्स यहां पर जाते हैं। स्नैक्स से थोड़ा सा पीछे ग्रेनेड रह गया, स्लेयर और स्नैक्स तैयार है फाइट लेने के लिए। क्रेटोस एक एरिया पर, ट्रांस एक एरिया पर, बट जिसने पहले स्पॉट किया, जिस टीम का 4v4 4v3 में कन्वर्ट होगा वो टीम एक नुकसान में हो सकती है। आरआरक्यू, लुक एट दोस पीपल, दे आर द बिग डैड्स ऑफ दिस गेम। पीएमएससी से शुरुआत करी थी आईएनडी, दुनिया की सबसे कंसिस्टेंट टीम, इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल एक तरीके से एक्सपोजर रह चुका है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वर्ल्ड में किसी टीम के पास है वो आईएनडी के पास है, और आईएनडी तैयार है अगेंस्ट द ओजीज ऑफ दिस गेम आरआरक्यू। जी हाँ, और अभी भी यहाँ पे एक खामोशी सी बनी हुई है और किसी भी क्षण फाइट भी चल सकती है, बट टीम आईएनडी के प्लेयर्स को धीरे धीरे आरआरक्यू जकड़ रही है। क्या ये आरआरक्यू के फेवर में जाएगा, क्या यहाँ पे आईएनडी पहला नॉक निकाल पाएगी, क्योंकि एक गाड़ी यहाँ पे पड़ी और उसके तरफ अगर एक ग्रेनेड भी जाता है तो 3 प्लेयर टीम आईएनडी के नॉक हो सकते हैं। बियर 11 अभी अपना पोजीशन रिवील कर चुके हैं, शॉट्स यहाँ पे ली जा चुके हैं, ग्रेनेड आता हुआ टीम आईएनडी के प्लेयर्स के द्वारा। क्रेटोस यहाँ पे स्मोक डाल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नी अभी भी शांत बैठे, बियर 11 भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, D2E भी आगे बढ़ रहे, G9 अभी भी स्थित है एक ही जगह पे, बहुत ही संगीन मामला हो चुका है। आईएनडी के स्नैक्स धीरे धीरे यहाँ पे बाई की तरफ जा रहे, ट्रांस ने अपना बॉडी जरूर रिवील किया, G9 को स्पॉट आउट किया, शॉट भी लिया यहाँ पे, उनको पिक्सल जरूर दिखा था। क्या यहाँ पे ट्रांस उनको फिनिश ऑफ कर पाएगा, क्या यहाँ पे एक पिक ऑफ फर्स्ट वन टीम आईएनडी ले पाएगी, और इसी के साथ हो चुका है शुरू। स्लेयर ने फर्स्ट किल ले लिया है अर्नी को पिक ऑफ करते हुए और इनको फिनिश ऑफ करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्रेटोस यहाँ पे राइट हैंड साइड से मूवमेंट देते हुए, स्नैक्स को यहाँ पे D2E ने पिक ऑफ कर दिया। टीम आईएनडी के ट्रांस इंस्टेंटली बगी के साथ जाते हुए अपनी टीम को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, बट G9 काफी करीब आ चुके हैं। एक ग्रेनेड आता हुआ ट्रांस को नॉक कर सकता है और G9 ने यहाँ पे प्रोन होकर इंस्टेंटली ट्रांस को भी पिक ऑफ कर दिया। क्रेटोस यहाँ पे अपने दोनों टीम मेट्स के पास आ चुके हैं, बट यहाँ पे आरआर क्योंकि G9 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ स्लेयर को भी पिक ऑफ करके टीम आरआरक्यू ले लेगी चिकन डिनर। It's gonna be an interview with Slayer from Team IND. So, ladies and gentlemen, Slayer, how are you doing? I'm fine. How are you? Well, we are doing great as well. और पिछले मैच के बाद तो और भी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। By the way, Slayer, you are looking good in that white T-shirt. Oh yes. थैंक यू थैंक यू। स्लेयर किस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो गया एंड स्नैक्स ऑलरेडी लेफ्ट पे था, तो वो लेफ्ट से बढ़ने लग गया एंड दैट्स वेयर ही गॉट स्पॉटेड। सो लाइक जस्ट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वरना ये चिकन हमारा था।
तो रिग्रेट तो हो रहा है बहुत। बिल्कुल, मिलिट्री बेस में अगर जोन बनता है, ऊपर से हमने देखा कि 14 किल्स आपने निकाले थे एंड फिर सेकंड में आके अटक गए, बट आरआरक्यू के सामने एक अच्छी टक्कर वाली फाइट देखने को मिली, बट फिर आरआरक्यू के प्लेयर जब आए थे क्रीटोस का शायद एक और सेकंड चांस मिला था, बिकॉज जब G9 ने वहां पे प्रोन होके आपके दो प्लेयर नॉकडाउन करे, क्रीटोस थोड़ा सा आई थिंक लेट रिएक्ट करे वहां पे, शायद वो अगर पहले आ जाते दैट कुड हैव बीन लाइक अ सेवियर फॉर टीम आईएनडी वहां पे भी। यप यप, इट वाज एन ओपन गेम एक्चुअली, द प्रॉब्लम है कोर गेट लाइक यू सॉ आरआरक्यू के प्लेयर्स कैसे सेपरेटेड थे एक दूसरे से, बट जैसे कि मैंने अर्नी को नॉक भी किया था, उसको छोड़ ही दिया था उन्होंने कि उसको रेवन्यू होना, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फर्दर गेम। सो लाइक हम लोग को भी यही करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव बीन स्प्रेड पूरा, बट इन लोग तीनों बहुत ज्यादा लाइक चिपक के थे। तो क्या हुआ, जब नॉक भी क्रिएट होता तो क्रेटोस दब गया था, स्नैक्स लेफ्ट पे था, ट्रांस राइट पे था, सो लाइक ही गॉट सैंडविच्ड इन बिटवीन, सो वो पूरा हॉचपॉच सीन हो गया था एंड पूरा, दैट्स व्हाट आई थॉट कि स्नैक्स के नॉक होने के बाद भी इट वाज अ 3-on-3, वी कुड हैव डन बेटर, बट ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल, बट एक चीज ओवरऑल स्टैंडिंग में हॉचपॉच नहीं है, यू आर डूइंग गुड बिकॉज टॉप फोर है एंड आपके ऊपर वाली जो टीम जो टॉप थ्री में बैठी हुई है उनके पास आई गेस 6 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है, बट कल किस तरीके से टीम आईएनडी देखेगी, बिकॉज अब आने वाले दो दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले, बिकॉज बाद में फिर जो नीचे वाली टीम भी आएगी जो चार अभी नहीं खेल रही है आने वाले हफ्ते पे, वो लोग तो ट्राई हार्ड करेंगे बिल्कुल, और आपका क्या पता गेम प्ले में दिक्कत हो, बिकॉज अभी आपने जितने पॉइंट निकाले बट फिर बाद में फिर वो एक लॉबी फिर वो ग्रुप सिस्टम वापस से आ जाएगा, सो किस तरीके से कल आप अप्रोच करोगे? सो वन थिंग हम लोगों ने रियलाइज की है कि ये वर्ल्ड लीग में अगर अग्रेसिव नहीं खेलोगे तो लाइक बहुत दिक्कतें होंगी, लाइक यू नीड टू प्ले अग्रेसिव, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने आज भी ब्रिज कैंप किया था, सो दैट बिकॉज यू नो जस्ट इन केस जोन कहीं भी बन जाए वील हैव किल्स, पोजिशन पॉइंट्स के नहीं हो, किल्स होंगे, सो कल भी अप्रोच वही रहेगा, वील बी अग्रेसिव एंड या वील जस्ट एम फॉर द चिकन डिनर। बिल्कुल, एक चीज अगर आप जॉनी ये वाला मैच वापस से देखेंगे तो एक साइड का ब्रिज बिल्कुल खाली था, नो वाला, और मिलिट्री वाला ब्रिज जो था जहाँ पे टीम आईएनडी वुमन दिखती है हम लोगों को, वो बिल्कुल क्लस्टर था, मेरे को लगा था कि शायद टीम आईएनडी को चैलेंज होगा, बट फिर बाद में यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज किल्स उस मीनवाइल उस टाइम पे बहुत ज्यादा निकाले इन्होंने। जी किल्स निकाले, उसी के साथ वो किल्स ट्रांसलेट हुए आपके लिए पॉइंट्स में ओवरऑल स्टैंडिंग, उम्मीद करेंगे कि कल का भी परफॉर्मेंस आपका ऐसे ही रहे, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Keep shining, boys. Thank you so much.